नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरकनपुर स्वास्थ्य केंद्र में रविवार के दिन लगा ताला, जिसमें मरीजों को हो रही है परेशानी। उपचार के लिए मरीज जाते हैं तो दवाई नहीं दी जाती जो कि निशुल्क मिलती है, एवं दवाई कचड़ेदान में डालकर उन्हें जला दिया जाता है। स्टाफ नर्स प्रज्ञा गुप्ता द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिससे मरीज परेशान होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। संवाददाता रूपेश दुबे, कैमरामैन राशि दुबे के साथ। देखिए सर, ये लेटरिन का टैंक है और इसमें जो भी दवा बचती है यूज नहीं की जाती, डेट करने के बाद में सारी दवा टैंक में डाल के आग लगा दी जाती है। टैंक भरा पड़ा है क्योंकि दवा यूज ही नहीं करते हैं। रखी रखी दवा जैसे डेट निकलती है तो उसको फेंक दी जाती है। पूरी की पूरी दवा यहाँ पे पड़ी है, इंजेक्शन वगैरह हर चीज जो भी है, शीशे वगैरह, सिरप वगैरह जो भी है, टेबलेट सारी चीजें पड़ी हुई है। अभी भी ये बॉक्स जला नहीं है। इस बॉक्स में देखिए सर कुछ है, ये टेबलेट वगैरह जो भी है सर, देखिए मैं सर, और जी सर जनता के साथ जी सलूक हो रहा है सर। देखिए सर ये दवा वगैरह है, अब पता नहीं इसमें क्या है। देखिए सर ये टेबलेट है, देखिए सर, सर ये टेबलेट है सर, इनकी डेट निकलने के बाद सर देखिए सर उनको फेंक दी जाती है। ये जनता के काम आ सकती है लेकिन ये लोग लापरवाही करते हैं सर। ऐसी ये टैबलेट सारी की सारी टैबलेट सिरप वगैरह और सर जी हर चीज जलाते हैं सर। देखिए सर, देखिए सर ये सिरप भी यहाँ पे है, देखिए सर ये सिरप पड़ा है यहाँ पे, हर चीज ये लोग लापरवाही कर रहे हैं सर। ये सर इंजेक्शन वगैरह है, देखिए सर सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई है। तो सर ये सरकारी या सरकारी कहें या स्वास्थ्य विभाग को करें, ये लापरवाही हो रही है यहाँ पे। इस हर चीज पड़ी हुई है, टैंक भरा पड़ा हुआ है। सरकनपुर स्वास्थ्य विभाग में मूलचंद बंसकार सरकनपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया की किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के।